ताकि लोग पढ़े कि सही क्या है। तो गांधी जी
गांधी जी ने विद्यापीठ की स्थापना की, एक शैक्षणिक संस्था जो यहाँ से बिल्कुल 3 किलोमीटर दूर पर है, नवजीवन प्रेस की स्थापना की यंग इंडिया में, जो उन्होंने लिखा था एक्सपीरियंस के बारे में। जो शब्द लिखे थे ना, वो शब्द पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर में, उनके शब्द के बाद तुरंत उनकी गिरफ्तारी की गई। यहाँ से जो शुरुआत हुई थी, बिहार मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ, तो राजकुमार शुक्ल जी ने जो खत लिखा था, गांधी जी को इन्वाइट किया था, विदेशी कपड़ों की गोली जलाना, स्वदेशी पत्र मनवाना, चौरी चौरा का जो इंसिडेंट हुआ, तब कई लोगों ने कहा कि आप थोड़े पुलिस चौकी जलाने गए थे, आप क्यों उपवास कर रहे हैं, तो गांधी जी ने कहा कि मैं पूरे भारतवर्ष का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, कोई भी गलती करेगा उसका प्रायश्चित मैं करूँगा। और कोहाट हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए, उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबको उन्होंने मदद पहुँचाई थी। वाइकम सत्याग्रह काफी लंबा चला, वाइकम सत्याग्रह केरल में, अस्पृश्य को मंदिर में प्रवेश नहीं देते थे। विनोबा जी का जो एक कान जिसमें बहरा था है, वो एक लाठी ऐसी जो उससे पड़ी हुई थी कि अस्पृश्य को लेके मंदिर में प्रवेश करने जाते थे और उनको मारते थे। ये पूरा एक सेक्शन कस्तूरबा, गांधी जी ने कस्तूरबा के लिए लिखा है। कस्तूरबा वैसे पढ़ी लिखी नहीं थी, पर फिर पढ़ना लिखना यहाँ पानी कहीं नेचर के साथ गांधी जी जीना ज्यादा पसंद करते थे, और उनकी मुझे में भी पूछ रही हूँ, पूछ रही हूँ। अगर आप अपने अंदर की जो मूल प्रवृत्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वो सजगता अपने अंदर रखने पड़ेगी। जो गांधी जी का आश्रम जीवन शुरू हुआ, तो उससे पहले उनके जीवन में जो पूरे लाइफ में उन्होंने का बचपन से मुझे सवाल पूछते थे, और आश्रम मेरे अंदर ही है, जैसे कि सिर्फ कम्युनिटी लिविंग लाइफ साउथ अफ्रीका में फिनिक्स और कॉन्शियसनेस, यहाँ आए तो उन्होंने एक फॉर्मेट भी बनाई कि आश्रम में जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वो कैसे रहेंगे, तो आश्रम की एक आचार संहिता उन्होंने तय की, और वो आचार संहिता को जो लोग मानेंगे वही लोग आश्रम में रहेंगे। तो गांधी जी का कहीं ना कहीं है कि हमारे अंदर की कोई ऐसी अच्छाई को हमें बाहर लाना है, वो कैसे लाना है, तो आश्रम में वो लोग सब वो अनुभव कर पाएंगे। आज तक ऐसी कोई वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी नहीं है जिसको जिनको इस तरह से खत मिलेगी, जैसे कि गांधी जी का एड्रेस किसी को भी पता नहीं है, टू करके सिर्फ एक स्टैम्प डाल के लेटर किसी ने पोस्ट कर दिया, गांधी जी को खत मिल गया। एक स्केच बना के सिर्फ इंडिया लिख दिया, गांधी जी को वो खत भी मिल गया। तो कहीं पर भी पूरा एड्रेस नहीं है, यहाँ लिखा है यहाँ तो गांधी लिखना भी भूल गए हैं, उन्होंने लिखा है कि द ग्रेट अहिंसा नॉवल ऑफ इंडिया, न गांधी लिखा है ना कोई, द ग्रेट अहिंसा नॉवल ऑफ इंडिया कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है जिनको इस तरह से खत मिल। आज एक नंबर अगर मिसिंग हो जाए ना एड्रेस में, तो भी खत नहीं आगे फ्री होके चलो, आप पीछे भी देखो गिरना नहीं।